हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रोहित, आपका दोस्त और आप लोगों का होस्ट। मुझे पता है यार, इतने दिन घर में बैठने के बाद अब आप सभी का दिल बाहर घूमने या हो सकता है दूसरे देश घूमने का कर रहा होगा। और अब हम ही लोगों में से कुछ लोग ये भी दावा करेंगे कि हमने तो यार पूरी दुनिया घूम ली है, लेकिन अगर आप उनसे मिले तो आप कहना ज़रूर कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान तो छोड़िए, कोई जंगली जानवर भी नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ डेंजरस जगहों के बारे में जानने वाले हैं जहां पर इंसानों का जाना मना है। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है उत्तर सेंटिनल द्वीप। यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप आदिवासियों का घर माना जाता है और यहाँ विश्व के ऐसे एकमात्र लोग हैं जो 21वीं सदी में रहते हुए भी पाषाण युग का जीवन जी रहे हैं। आधुनिकता इनसे कोसों दूर है। इन्हें अपने द्वीप पर किसी का भी आवागमन पसंद नहीं है। इनसे आज तक जितने भी संपर्क बनाने के प्रयास किए गए वो सब बेकार साबित हुए, क्योंकि यह अपने द्वीप के समीप किसी को भी देखते ही तीर भालों से उन पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ के ये आदिवासी बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ के ट्राइबल्स अपने पर्यावरण और अपनी संस्कृति की रक्षा करने में बहुत रुचि रखते हैं। ये किसी भी अजनबी को जान लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस द्वीप पे जाना चाहते हैं तो रिस्क लेकर ही जाएं। आखिरी बार इस द्वीप पर 2006 में दो आदमियों को देखा गया था और वह एक मछुआरे थे जिनकी नाव गलती से इस द्वीप के किनारे मिली थी। लेकिन इन आदिवासियों ने जैसे ही उन्हें अपने द्वीप पर आते हुए देखा, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। इसी कारणवश गवर्नमेंट इस आइलैंड को पूरी तरह से लोगों को आने जाने के लिए बैन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से बहुत ही एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन तभी मिलेगी जब आप किसी रिसर्च के पर्पज से वहाँ पे जा रहे हैं, अनलेस आपको यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पे है स्नेक आइलैंड। तो अब हम भारत से चलते हैं डायरेक्ट ब्राजील के खूबसूरत नज़ारों के बीच, और इन्हीं खूबसूरत देश में साओ पालो से 144 किलोमीटर दूर स्थित है स्नेक आइलैंड, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में से एक माना जाता है। ब्राजील का यह द्वीप दुनिया के सबसे जहरीले सांप गोल्डन लेसहेड का घर माना जाता है। इस 110 एकड़ के द्वीप पर लगभग 4000 सांप रहते हैं और यह सांप इतने जहरीले होते हैं कि मनुष्य के शरीर के मांस तक को गला सकते हैं। इसलिए यहाँ मनुष्यों के साथ साथ किसी भी जीव का जाना मना है। 2009 में ब्राजील ने जहाजों को इस द्वीप से दूर रखने के लिए एक लाइट हाउस बनवाया था, जिसे वहाँ के एक लोकल फैमिली चलाती थी। लेकिन 1920 में यह पूरा परिवार मृत पाया गया, क्योंकि उनके घरों में बहुत सारे जहरीले सांप आ गए थे। सांपों की तादाद और खतरों को देखते हुए ब्राजीली गवर्नमेंट ने इस द्वीप को पूरी तरह से आने जाने के लिए बैन कर दिया है। इस द्वीप पर सरकार की इजाजत से ही चयनित जीव शोधकर्ता जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं यार नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे है ब्लडी पॉन्ड। यह जापान के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, लेकिन अगर आपको इसे देखने के बाद इसमें तैरने का मन कर रहा है तो जरा आप ठहरिए, क्योंकि यहाँ पर तैरना सख्त मना है। अगर आप इस पॉन्ड में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका तापमान 160 डिग्री से ऊपर रहता है, यानी अगर आप इसमें गए तो आपका उबलना तो यार निश्चित है। वैज्ञानिक दावे के अनुसार इस झील का पानी खून की तरह लाल और पानी की सतह से निरंतर भाप वाष्पित होता रहता है। इस जगह को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो खून उबल रहा हो, इसलिए यह तालाब जापान में खूनी पोखर के नाम से भी मशहूर है। तो आप अगर इसे देख सकते हैं तो देखिए, लेकिन इसमें तैरना बिल्कुल भी मत। नंबर फोर पे आता है कोको कोला रेसिपी की गुप्त तिजोरी। कोको कोला नाम आते ही मुंह में पानी और गले में ठंडक आ जाती है, लेकिन क्या आपको पता है अटलांटा में इसका हेड ऑफिस है
और इस हेड ऑफिस में ही छुपी है कोको कोला की सीक्रेट रेसिपी। जी हाँ, मैं उसी रेसिपी की बात कर रहा हूँ जिसके दम पर कोको कोला ने पूरी दुनिया में राज किया है। अब इस सीक्रेट रेसिपी में क्या है ये तो अभी पूरी दुनिया के लिए आज भी रहस्य है, लेकिन इस हेड ऑफिस में ही इसकी सीक्रेट रेसिपी एक तिजोरी में कैद है जिसकी चाबी अटलांटा के सन ट्रस्ट बैंक के पास है और इस तिजोरी को मिस्टीरियस बॉक्स कहा जाता है। यदि आप में से कोई भी इसे देखने की इच्छा रखता है तो आपको एक मोटी रकम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप इस सीक्रेट रेसिपी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि तिजोरी के अंदर भी एक सीक्रेट चेंबर है जहां पर इस रेसिपी को रखा गया है, जहां पहुंचना डॉन को पकड़ने से भी यार ज़्यादा मुश्किल है। नंबर फाइव पे आता है वुमेरा। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इस स्थान को ऑस्ट्रेलियाई सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए उपयोग में लाते हैं। हालांकि इसे बैन एरिया के तौर पे जाना जाता है, लेकिन वुमेरा के नज़दीकी शहर आम जनता के लिए खुले हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस इलाके में सोने की खान का अथाह भंडार मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ पे लोहा, यूरेनियम आदि धातुओं के भी अयस्क मौजूद हैं। व्यवहारिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह खान दुनिया के सबसे बड़े अयस्क का भंडार है। दुनिया के नज़र में इस जगह के पदार्थों को बचाए रखने के लिए यहाँ पर लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर युद्ध करने के उपयोग में होने वाले सामग्रियों का भी बहुत बड़ा भंडार है। अब हम ही लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर जाने का कोई उचित कारण खोज सकते हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपका डिसीजन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह वीकेंड मनाने का यार सही जगह नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके भी यार मुझे बताइए, और अगर आपको ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं यार किसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा।